सरकार की योजनाएं हजार लेकिन धरातल पर सबके सब बेहाल। जी हाँ, आपको बताते चले कि सरकार के माध्यम से जनहित को लाभान्वित करने वाली कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर कितना उतर पा रही है इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। ताजा मामला ग्राम पंचायत दौदा का है। ग्राम पंचायत दौदा, जहां पर उत्तराखंड की विकसित भारत संकल्प यात्रा नामक योजनाएं चल रही है, जिस योजना के अंतर्गत हर एक ग्राम पंचायत में करीबन सरकार के 17 विभाग अपने विभागों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों से ग्रामीणों को अवगत करवाएंगे। सरकारी विभाग उन योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत करवाएंगे, लेकिन धरातलीय स्थिति का खामियाजा कुछ और ही है। ताजा मामला ग्राम पंचायत दौदा का है, जहां पर जब सरकार के विभाग पहुंचे तो पता चला जनाब 17 विभागों में से मात्र 3 विभाग ही ग्राउंड जीरो पर पहुंच पाए है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारी लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार और सरकार के अधीन काम करने वाले ये विभाग आम जन के प्रति कितने संजीदा है। यह अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि करीबन 17 विभागों में से मात्र और मात्र 3 विभाग ही ग्राम पंचायत दौदा पहुंचे। अब आगे आगे अन्य ग्राम पंचायतों में ये आलम किस तरीके का देखने को मिलेगा, इसका तो भगवान ही भरोसा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं यदि ग्राम दौदा का ये हाल है तो अन्य ग्राम पंचायतों में क्या वो 17 विभाग पहुंच पाएंगे, ये उम्मीद करना भी शायद मुंगेरी लाल के सपने दिखाने जैसा ही होगा। लेकिन बड़ा प्रश्न ये कि भारत संकल्प यात्रा, जी हाँ, भारत संकल्प यात्रा इस तरीके से पूर्ण हो पाएगी यदि सरकार के नामचिन्ह विभाग ग्राम पंचायतों में न पहुंचकर देहरादून राजधानी में बैठकर ही पॉलिसियां बनाएंगे और सरकार जो योजनाएं गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को जागरूक करने की दिशा में चला रही है उनको कौन साकार करेगा। ये कई सारे प्रश्न छोड़ देते हैं, लेकिन चलते हैं आज की हकीकत की ओर। नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की वास्तविकता को लेकर। जी हां, अगर हम गिनने लगे तो शायद घंटे और दिन बीत जाए, पर हम सरकार के द्वारा संचालित की जा रही आम जन के हित की योजनाओं का पूर्ण जिक्र नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये योजनाएं क्या धरातल पर उतरती है या फिर कागजों पर ही बनकर सिमट जाती है, ये बड़ा प्रश्न है। और ये मैं आज इसलिए मुद्दा लेकर आया हूं क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा, सुन रहे ना, विकसित भारत संकल्प यात्रा, इस संकल्प यात्रा के अंतर्गत जो प्रदेश सरकार का रोस्टर है उसके अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में 17 विभागों के अधिकारी जाएंगे, 17 विभागों से जुड़ी हुई आम जनहित की योजनाओं की जानकारी देंगे, ग्रामीणों को जागरूक करेंगे। लेकिन इस विकसित भारत संकल्प यात्रा की पोल खुलती है विकासखंड चक्राता के ग्राम पंचायत दौदा में। हम सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे दौदा के जागरूक ग्राम प्रधान जी को, जिन्होंने इस योजना की वास्तविकता को हमारे संज्ञान में लाने का काम किया है। उनकी प्रतिक्रिया भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें भी आप देख लीजिए। ये तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर चल रही है जिसमें ग्रामीण हाथ में मालाएं लेकर उपस्थित हैं, जब इन ग्रामीणों ने गवर्नमेंट के रोस्टर को पढ़ा होगा कि 17 विभाग आज सरकार के हमारे द्वार आ रहे हैं, तो हर किसी के चेहरे पर खुशहाली थी, आशाएं थी कि शायद अब आम जन के द्वारा चुनी सरकार आम जन के द्वार आएगी। मगर ये फूल मालाओं का स्वागत ग्रामीणों को तब हतोत्साहित कर गया
जब 17 में से सिर्फ सरकार के 4 विभाग वहां उपस्थित हुए हैं। मैं पहले उन 4 विभागों का जिक्र कर दूं और उनके जो अधिकारी वहां पहुंचे थे उनका भी जिक्र कर दूं। पेयजल विभाग, जिसमें कि ब्रजेश डेंगवाल जी पहुंचे थे, जो शायद अपर सहायक अभियंता के पद पर है। इसके अलावा ग्राम विकास विभाग से अमित कुमार जी पहुंचे थे। इसके अलावा पंचायती राज से धीरज धीमान जी पहुंचे थे। और इसके अलावा विकसित स्वास्थ्य विभाग से अग्रवाल जी और उनकी टीम पहुंची। मात्र 4 विभाग यानी कि 13 विभाग नदारद है। 13 विभाग को ना तो अपने आला अधिकारियों की सूद और ना ही उन आला अधिकारियों प्रदेश सरकार का खौफ, यानी कि नौकरशाह इतने बेलगाम हो चुके हैं कि उनको ना तो चुने प्रतिनिधियों का भय, ना ही प्रदेश के मुखिया का भय और ना ही प्रदेश की सरकार का भय। अभी ये सफर अधूरा है, इसके अलावा भी अन्य जगह भी ये ग्राम पंचायतों में इस तरह के कार्यक्रम लगेंगे। लेकिन क्या आगे सूद लेगा विभाग? क्या प्रदेश के मुखिया, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब, आप कहते हैं कि 8 दिन में प्रदेश सरकार के जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो जाएगी, अगर ऐसा नहीं होता है तो आला अधिकारियों पर तलवार लटकेगी। अब आप सिर्फ कहते हैं या अपने वक्तव्य को अमल में भी लाते हैं ये तो 8 या 10 दिन बाद पता चल जाएगा, क्योंकि सड़कों पर तो हर कोई चलता है ना, कितना गड्ढा मुक्त हो जाता है उत्तराखंड। और इसके साथ ही पता चल जाएगा कि आज जो ग्राम पंचायत दौदा में ये 13 विभाग गैर हाजिर थे, क्या इसके बाद ये 13 विभाग, इनके प्रति आपकी सरकार सूद लेगी और इन बेलगाम नौकरशाहों पर लगाम कसने का काम करेगी? और क्या आगामी समय में जिन ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम होगा उन ग्राम पंचायतों में ये विभाग पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? ये बड़ा प्रश्न उठता है। खैर, हमारी जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते हैं ग्राम पंचायत दौदा के ग्राम प्रधान रणवीर जी की प्रतिक्रिया की ओर, क्या कुछ कहा है उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर। और साथ ही मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, क्या प्रदेश की युवा धामी सरकार इन बेलगाम बेसूद विभागों के अधिकारियों विभागों की सूद लेगा, इन बेलगाम विभागों पर लगाम कसने का काम करेगा? क्या क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि इस तरीके के इन विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाने का काम करेंगे ताकि विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी से लेकर तमाम विभागों के अधिकारी पहुंचे और कहीं ना कहीं अपनी योजनाओं की जानकारी उन आम ग्रामीणों को दे, लोगों को दे जिनको कहीं ना कहीं योजनाओं का पता ही नहीं चलता है, योजनाओं की समझ ही नहीं है। आइए जी, जानकारी आपको सीधा ले चलते ग्राम पंचायत दौदा में, जहां पर हमारे साथ जुड़े हैं ग्राम प्रधान रणवीर जी। क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे कैंपेन को लेकर? प्रधान जी, आप विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य विभाग का और ग्राम विकास का अभिवादन करता हूँ जो यहाँ पर आए हैं। वैसे यहाँ पर जो मेरे को रोस्टर मिला है ब्लॉक के माध्यम से, इसमें 17 विभागों को नियुक्त किया गया था, जिसमें मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी इन 2 विभागों के सिवाय कोई भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तीन विभाग हाँ, पंचायती राज भी हमारे पास उपस्थित है या मेरी ग्राम पंचायत होता है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ विकसित भारत संकल्प यात्रा, क्या मैं एक बात कहना चाहूँगा सबके लिए, मेरा संदेश है, क्या ऐसे संभव हो सकता है भारत विकसित हो सकता है? कम से कम अभी जो है 13-14 विभाग नहीं पहुँचे, ग्रामीण भी समस्याएं, सारे गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनमें भी आक्रोश है कहीं ना कहीं, हमारे वीरानी कर रहे हैं और वो सब लोग जो है या तो वो अनुपालन नहीं कर रहे, आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे भी पीड़ा है कि यहाँ पर ये उपस्थित नहीं। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।